Good morning, everyone. I'm here before you with top 10 idioms and phrases used in English language. Actually, idioms and phrases English language में बोलचाल की भाषा में या लिखने में language को और beautiful बनाते हैं. दो word या एक verb और एक preposition या कुछ word जोड़ करके हम phrase या idioms बनाते हैं, जिनका मीनिंग उनके बेसिक वर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. आइए हम देखते हैं. पहला वर्ड है अ जेंटलमैन एट लार्ज. एक ऐसा जेंटलमैन जो एट लार्ज हो मीन्स फ्री हो. एट लार्ज मीन्स होता है फ्री. जो फ्री हो, स्वतंत्र हो, मतलब उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते. वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है या कुछ भी कर सकता है ना. एन अनरिलायबल पर्सन, अविश्वसनीय व्यक्ति. इट मीन्स I do not believe in the people or I do not believe a gentleman at large. इसका यूज भी हम आपको साथ में बता रहे हैं. ये टॉप 10 idioms जो हमने लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बोल चाल की भाषा में अक्सर यूज होते हैं और साथ ही साथ ये एग्जाम में भी आता है. तो ये पहला हुआ अ जेंटलमैन एट लार्ज मीन्स एन अनरिलायबल पर्सन. आई डू नॉट लाइक अ जेंटलमैन एट लार्ज. अ जेंटलमैन एट लार्ज. नेक्स्ट वन है अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग. मतलब हुआ कि नुकसानदेह व्यक्ति. कुछ व्यक्ति होती हैं जो बहुरूपिया टाइप में होते हैं. अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग हार्मलेस. एक खतरनाक व्यक्ति हो और जो बहाना बना रहा हो, कोशिश कर रहा हो कि आपको बताने के लिए कि मैं बढ़िया हूं, है ना. अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग. आई नो अबाउट दैट पर्सन. ही इज अ शीप इन ही इज अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग. वह एक भेड़िया है जो, है ना, भेड़ का खाल पहन रखा है. मतलब वो बनाने की कोशिश कर रहा है. वो है नुकसानदेह व्यक्ति, लेकिन वो कोशिश कर रहा है बताने की कि मैं ईमानदार हूं, साफ हूं, स्पष्ट हूं. तो इस तरह से इसको अपने लैंग्वेज में एक सेंटेंस में लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज एबीसी. जिसे कहते हैं कि आई डू नॉट नो एबीसी ऑफ मैथमेटिक्स. मुझे मैथ्स के बेसिक नॉलेज भी नहीं है. एबीसी मीन्स होता है बेसिक नॉलेज, प्रारंभिक ज्ञान. आई डू नॉट नो इवन एबीसी ऑफ मैथमेटिक्स. मुझे मैथमेटिक्स का, गणित का शुरुआती ज्ञान भी नहीं है. इस तरह से एक सेंटेंस बना सकते हैं. शी डज नॉट नो इवन एबीसी ऑफ फ्रेंच. उसे फ्रेंच के बारे में एबीसी भी पता नहीं है, मतलब शुरुआती ज्ञान भी पता नहीं है. नेक्स्ट वन इज अबव बोर्ड. इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अबव बोर्ड मीन्स होता है ईमानदार तथा स्पष्ट, मीन्स फेयर एंड ऑनेस्ट. द पर्सन ऑफ अबव बोर्ड आर ऑल एवरीवेयर वेलकम्ड. वो जो ईमानदार और स्पष्ट होते हैं, उनका हर जगह स्वागत किया जाता है. अब देखिए अबव बोर्ड का हम यूज कहां कहां कर सकते हैं. माई बॉस इज एन अबव बोर्ड पर्सन और माई बॉस इज अबव बोर्ड. या कहें माई फ्रेंड्स आर अबव बोर्ड. मेरे जितने दोस्त हैं ईमानदार हैं. या कहें यू आर अबव बोर्ड मीन्स आप बोर्ड से परे हो, मतलब यू आर ऑनेस्ट एंड फ्रैंक. नेक्स्ट देखिए हम कहते हैं ऑल एंड सन्ड्री. ऑल एंड सन्ड्री मीन्स एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन. हर कोई बिना भेदभाव के. मीन्स माई फादर इन्वाइटेड माई नेबर्स एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन मीन्स ऑल एंड सन्ड्री. माई फादर इन्वाइटेड ऑल द नेबर्स ऑल एंड सन्ड्री. सबको इन्वाइट किया एट डिनर ऑल एंड सन्ड्री, बिना किसी भेदभाव के. ऑल एंड सन्ड्री मीन्स प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के. और इस तरह से सेंटेंस में हम लिखते हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वो अवॉर्डेड ऑल एंड सन्ड्री विदाउट डिस्टिंक्शन. नाउ नेक्स्ट वन इज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं अक्सर. ऑल इन ऑल मीन्स होल एंड सोल, सर्वे सर्वा. माई फादर इज ऑल इन माई फैमिली. मेरे पिताजी घर में ऑल इन ऑल है, सर्वे सर्वा है. कह सकते हैं कि आई एम ऑल इन माई स्कूल. मैं अपने स्कूल में सर्वे सर्वा हूं, मेरा ही बात माना जाता है. या द प्रिंसिपल इज ऑल इन द कॉलेज.
प्रिंसिपल कॉलेज में सर्वे सर्वा होता है, या कह सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल इन द कंट्री, है ना, द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल इन द कैबिनेट, कैबिनेट का सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होता है, उसके कहने पर सब होता है, ठीक है। तो इस तरह से हुआ, ऑल इन ऑल मीन्स सर्वे सर्वा होल एंड सोल, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट, जिले में जिलाधिकारी जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है, मालिक होता है। इसको यू हैव टू ब्रिंग इट इन योर माइंड एंड जस्ट रिमेंबर इट, इसको यूजुअल बना दीजिए, अक्सर यूज करने लायक है ना। नेक्स्ट है अल्फा एंड ओमेगा, वाओ वेरी नाइस वर्ड, मीन्स एक अच्छा बहुत शानदार ईडियम है। अल्फा एंड ओमेगा मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स ऑफ ग्रीक, ग्रीक के शुरू और अंत के अक्षर, है ना। डू यू नो अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ग्रीक, और इवन डू यू नो अल्फा एंड ओमेगा ऑफ सी लैंग्वेज, क्या आप सी लैंग्वेज के अल्फा एंड ओमेगा जानते हो, कुछ पता भी है शुरू और अंत पता है कि नहीं। अच्छा ये सटारिकल वे में बोला जाएगा, अगर किसी सेंटेंस में बोल रहे हैं तो लगे किसी के ऊपर हम कमेंट कर रहे हैं। अच्छा यू टॉक अबाउट फ्रेंच, डू यू नो अल्फा एंड ओमेगा ऑफ फ्रेंच, आपको पता है अल्फा एंड ओमेगा, पता है फ्रेंच के बारे में, आप इतना बात कर रहे हो। तो इस अल्फा एंड ओमेगा मीन्स शुरू और अंत के कुछ अक्षर, जैसे ग्रीक के, और ग्रीक बहुत कठिन होता है, तो हम किसी भी कठिन चीज के लिए ऐसा कर सकते हैं। जैसे डू यू नो अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ड्राइविंग अ कार, क्या आप कार चलाने के शुरुआती और अंत की बातें जानते हो, ब्रेक कैसे लगेगा, गियर कैसे लगेगा, लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट वन इज एन आई वॉश, बहुत ही शानदार ईडियम है ये, कह रहा कि आंख में धूल झोंकना, कभी कभी होता है अप्रिटेंस, माई ब्रदर ऑलवेज मेक्स एन आई वॉश बिफोर मी बिफोर माई पेरेंट्स, मेरा भाई जो है हमेशा मेरे और मेरे भाई मेरे पेरेंट्स की आंख में धूल झोंक देता है, है ना। धूल झोंकना मीन्स होता है किसी को बुद्धू बनाना, है ना। डोंट मेक एन आई वॉश एंड प्लीज माइंड योर बिजनेस, आंख में धूल मत झोंको, हाँ, और अपना काम करो, इस तरह से मेक एन आई वॉश, आंख में धूल झोंकना। अच्छा देखिए अगला है, ये लास्ट है, ये है एन आयरन हैंड, एन आयरन हैंड मीन्स बाय फोर्स, यू कैन नॉट गेट मी वर्क एन आयरन हैंड, आप मुझसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते। एन आयरन हैंड मीन्स होता है जबरन काम कराना, जबरन जबरदस्ती का, है ना। नोबडी कैन टेक एनी वंस वर्क एन आयरन हैंड, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। इस तरह से आपने देखे टॉप 10 idioms and phrases which are very important and usually they are used in conversation also. So please read all these idioms, use in your own sentence and make your English language rich. आप देख रहे थे RNG Academy और मैं दिनेश कुमार। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू वेरी मच।